राजस्व विभाग से कानून के पद से सेवरत हुए खंदेड़ा गांव के निवासी 84 वर्षीय अमर सिंह आज भी राजस्व विभाग व जिला के लोगों को प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। वर्ष 1954 में राजस्व विभाग में नौकरी पर लगे तथा जुलाई 1952 में भोरंज राजस्व विभाग से कानून के पद से सेवरत हुए। उर्दू और फारसी भाषा में 10वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अमर सिंह आज भी पुराने राजस्व विभाग के उर्दू भाषा में रिकॉर्ड की नकल को पढ़ने में माहिर हैं। कम मेहनताने पर सेवृत्ति होने के बाद वे अपनी सेवाएं देने में जुटे हुए हैं। उर्दू भाषा में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड को गांव व शहर के लोगों तक पहुंचाने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डीएवी स्कूल नदौन में 10वीं कक्षा की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने नौकरी करने की जलंधर में राजस्व विभाग में अपनी सेवाएं देना शुरू की। तत्कालीन समय में जलंधर, गुरदासपुर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। राजस्व विभाग में बेहतर सेवाओं के अधीन एक विशाल समारोह में भी वे पुरस्कार जीत चुके हैं। साधारण परिवार से अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए परिजनों से शिक्षा को लेकर आत्मनिर्भरता जीवन की प्रेरणा मिली। चंडीगढ़ में इस सम्मान को लेकर परिवार के लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। अमर सिंह के अपने पिता स्वर्गीय धुरीराम को अपनी शिक्षा का प्रेरणा स्रोत मानते हैं। पढ़ाई के बाद नौकरी में आत्मनिर्भरता भी उन्हें परिवार के लोगों से अधिक सीखने को मिली। उर्दू ज्ञान में प्रेरणा को लेकर उन्हें किसी भी स्कूल द्वारा पहल नहीं की। उन्होंने कहा कि जिला के अन्य लोगों को इस प्रकार प्रेरणा पाने वाले लोगों से सीख की आवश्यकता है। दिन भर राजस्व विभाग की पुरानी राजस्व संबंधी नकल को लेकर लोगों को उनके पास आना जाना लगा रहता है। इस कार्य के लिए वह राजस्व विभाग से कम मेहनताने पर भी काम कर रहे हैं। हेलो, उर्दू कब से जानते हैं? उर्दू पहले तो हिंदी पढ़ी ना, पहली दूसरी तीसरी में फिर उसके बाद उर्दू। तो नौकरी कब तक की आपने राजस्व विभाग में? 56 में बस। उसके बाद कानगो आप रिटायर आए तो उर्दू यहाँ पे आप उर्दू देखते थे? कोई मुश्किल तो नहीं आती उर्दू का रिकॉर्ड पढ़ने में? कुछ रिकॉर्ड वैसे सही सलामत है उर्दू का? इतना लंबा पुराना रिकॉर्ड है तो ये आपके बाद भी लगता है आप उर्दू का रिकॉर्ड कोई देख पाएगा इस तरह जैसे आप पढ़ते हैं? हाँ, जम्मू कश्मीर में उर्दू है, यूपी में उर्दू है, ऐसा तो हिमाचल में अपने हमीरपुर की बात करें तो क्या लगता है? हिमाचल में नहीं है उर्दू, वह पढ़ते तो है ऐसे ही होता है। कभी ऐसा तो नहीं होती आपके हाथों कोई गलत रिकॉर्ड चला गया उर्दू का, ऐसा केस भी आया कोई? वो ऐसा नहीं होता कभी। हिंदुस्तान में सब जुबाने हैं, ऐसा कोई नहीं है। उधर से मुकाकर इधर अभी रिकॉर्ड आता है ना जम्मू कश्मीर का, तो प्योर उर्दू लिखते हैं, बहुत ठेक उर्दू है। उर्दू आपने स्कूल में पढ़ी थी? और कौन सी लैंग्वेज इसके साथ पढ़ी थी? उर्दू ही, फारसी भी थोड़ी बहुत, फिर वो पक्के इनसे अरबी भी होते हैं वो भी जानते हैं, 100 कैसे 200 कैसे 400 वो तो बहुत ही मुश्किल है ना। कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपकी डिमांड या कोई ऐसा तो नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए? तो संतुष्ट हैं आप यहाँ पर? तो ये नकला नकलों का ही है, नहीं तो यहाँ होता क्योंकि रिकॉर्ड ही जो बदली हो गया, अब बंदोबस्त हो रहा है हिंदी में, तो कोई गलती फलती की जरूरत पड़ रही है ना, तो रिकॉर्ड डैम पे। उर्दू के रिगार्डिंग कोई मैसेज तो नहीं छोड़ने देंगे आपकी उर्दू को जाने लोग? वाले कर रहे हैं ना उसमें वो कहें जो डब्बे डब्बे का निशान सीधा कर दिया उन्होंने काम फ्लेक्सीबल। हाँ, कहीं देखो बंदोबस्त में आप वो जो सकने हैं ना, हाँ जी, वो किसी तरफ को घुमा रहे हो, नहीं तो पहले ऐसा है कि ये है ना इसमें जितने नंबर होंगे एक मसाबी में उनका लाख दूसरी से जो किया जाएगा तो इस सब का बराबर आएगा उससे। अब ऐसे ही है, पहले मतलब इजी था उर्दू में, अब थोड़ा टफ हो गया। पहले तो बहुत ही पक्का इंतजाम था, ये पैमाना जो बदली हुआ ना इससे खराब हो गया, फिर उन्होंने बढ़ा दिए ना उसको पैमाने को ही बड़ा करना, जैसे 20 का होता था, 10 का होता था, 40 का होता था, पहले ना करना हिसाब
तो इन्होंने मीटरों में कर दी है, तो 10 मीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर की, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर की, उसको ही बढ़ा दिया। ऐसी घटी रब्बे बड़े जरूरी थे मुसावी का लाभ करने के लिए, एक मुसावी से भी उसकी वो इन्होंने डाले भी ऐसे ही लिख रहे हैं जो रकबा निकालते हैं। पहले तो ये होता था कि अगर 2 कर्म का खम है किसी नींद में ना, तो उसको नजरअंदाज करते थे कि इतने ज्यादा नींद बढ़ानी। अब तो इंच इंच पर ही उन्होंने धुंधु 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 ऐसे ही कर दिए, कोई पूछता नहीं।